साल 2019 में हॉलीवुड सिनेमा इंडस्ट्री से ढेरों मूवीज रिलीज होने को तैयार है। जहां एक तरफ एमसीयू की ब्लॉकबस्टर मूवी एवेंजर इंडगेम और स्पाइडरमैन है, तो वहीं कुछ एनिमेशन मूवीज हमें हंसाने को तैयार है। तो इस साल सारी आने वाली मूवीज की लिस्ट जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन द हिडन वर्ल्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इस मूवी का थर्ड पार्ट है। ये मूवी जैसे कि पहले ही ऑस्ट्रेलिया और यूके में रिलीज हो चुकी है और लोगों ने इसे काफी अच्छे रिव्यूज भी दिए। ये कब्स एक बार फिर से ड्रैगन यूनिवर्स को बचाने और उनकी हेल्प करने वापस आएगा। इस फ्रेंचाइजी की इससे पहले की मूवीज की सक्सेस के बाद ड्रीम वर्क्स ने टीवी सीरीज भी बनाया। अब देखना ये होगा कि इस मूवी को लोग कितना पसंद करते हैं। मूवी का रिलीज डेट है 22nd of March। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है कैप्टन मार्वल। ये मूवी मार्वल फैंस के लिए एक बड़ी मूवी है, क्योंकि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के क्लाइमेक्स सीन में थेनोस के चुटकी बजने से आधा यूनिवर्स गायब हो गया था। और निक फ्यूरी ने पोस्ट क्रेडिट सीन में पेजर के थ्रू कैप्टन मार्वल को मैसेज भेजा था। और देखना ये दिलचस्प होगा कि कैप्टन मार्वल कैसे एवेंजर इन गेम में शामिल होती है। और एक तरह से ये कैप्टन मार्वल की ओरिजिन मूवी है। इस मूवी को 8th of March को रिलीज किया जाएगा। तीसरे नंबर पर है डम्बो। डम्बो टिम बर्टन की डायरेक्शन में बन रही एक एनिमेशन मूवी है, जो कि वॉल्ट डिज्नी की डम्बो 1941 मूवी से ही इंस्पायर्ड है। इस मूवी में एक सर्कस ओनर की स्ट्रगल को दिखाया गया है, और तभी उसको एक उड़ने वाला एलिफेंट मिलता है और उनकी सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है। बच्चों के लिए या जो लोग एनिमेशन मूवी को पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी मूवी साबित हो सकती है। ये मूवी 29th of March को रिलीज होगी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है सजाम। डीसी कॉमिक कैरेक्टर सजाम एक कॉमेडी सुपर हीरो मूवी है, जिसे न्यू लाइन सिनेमा प्रोड्यूस कर रही है और जिसका डायरेक्शन डेविड सैंडबर्ग ने किया है। अगर स्टोरी की बात करें, बिली बैटसन एक टीनेज लड़का है जो कि मैजिकली सजाम बोलने से सुपर हीरो बन जाता है। शज़ाम डीसी फैंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि बाकी सुपर हीरोज की तरह ये सुपर हीरो जस्टिस लीग में किस तरह से शामिल होगा। शज़ाम का ट्रेलर अभी कुछ दिनों पहले रिलीज कर दिया गया था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि डीसी यूनिवर्स से एक्वामैन जैसी दमदार मूवी के बाद क्या शज़ाम भी बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल दिखा पाती है या नहीं। मूवी का रिलीज डेट 5th of April है। नंबर 5 पर है इस साल की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी, जो कि हर सुपर हीरो फैंस के लिए एक बड़ी मूवी है। जी हां, बात कर रहे हैं एवेंजर एंडगेम की। जहां हर तरफ सभी मूवी क्रिटिक का मानना है कि ये मूवी अपने सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने को तैयार है, वहीं सभी मार्वल फैंस इस मूवी को बड़े पर्दे पर देखने को बेसब्री से इसका वेट कर रहे हैं। पिछले साल आई एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में थेनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन को सबसे एक एक कर छीन लेता है और आधा यूनिवर्स को मिटा देता है, जिसमें कि स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, ग्रू, स्टार लॉर्ड, स्कारलेट विच, फाल्कन और निक फ्यूरी जैसे सुपर हीरो भी शामिल है, जो कि धूल बन गए थे। और वहीं अभी कुछ समय पहले एवेंजर एंडगेम का ट्रेलर भी रिलीज हुआ, जिसमें कि देखा जा सकता है कि बचे हुए सुपर हीरो एक बार फिर से थेनोस से मुकाबला करने के लिए तैयार है। मूवी का रिलीज डेट 26th of April रखा गया है। लिस्ट में छठे नंबर पर है पोकेमॉन। पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू एक साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी मिस्ट्री फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रॉब लैटरमैन कर रहे हैं, जो कि 2016 के वीडियो गेम से इंस्पायर्ड है, जिसका टाइटल भी सेम था। ये पोकेमॉन यूनिवर्स की पहली मूवी है। मूवी में मेन कैरेक्टर डिटेक्टिव पिकाचू की वॉइस रैन रेनॉल्ड ने दिया है। फिल्म में टिम एक पोकेमॉन ट्रेनर हैरी गुडमैन के बेटे हैं। टिम के पिता एक कार एक्सीडेंट में गायब हो जाते हैं, तो बेटा टिम अपने डैड को ढूंढते ढूंढते रैम सिटी आ जाता है, जो कि इसकी मुलाकात डिटेक्टिव पिकाचू से होती है, और फिर दोनों मिलकर हैरी को ढूंढने लग जाते हैं। इस मूवी को 10th of May को रिलीज किया जाएगा। सातवें नंबर पर है जॉन विक चैप्टर 3। ये जॉन विक सीरीज का थर्ड पार्ट है, जो कि एक्शन थ्रिलर से भरपूर है। इससे पहले 2014-17 में आ चुकी इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था, और वहीं इस फिल्म के मेन कैरेक्टर कियानू रीव्स ने भी बेहतर काम किया था। देखना ये है कि हिटमैन इस बार क्या अलग करने वाले हैं। ये मूवी 17th of May को रिलीज हो रही है। आठवें नंबर पर है हेलबॉय। हेलबॉय डार्क हॉर्स कॉमिक से सुपर हीरो हेलबॉय रिबूट है। इस बार की हेलबॉय मूवी इसकी पहली मूवी के सीक्वल नहीं, बल्कि इस बार मूवी में आपको कुछ हल्के फुल्के कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, और हेलबॉय के लुक को भी काफी हद तक चेंज किया गया है। और इसका डायरेक्शन नेल मार्शल कर रहे हैं, और ये माइक मिग्नोला की नॉवल पर आधारित है। हेलबॉय के कैरेक्टर में डेविड हार्बर, रेजिडेंट एविल की लीड एक्ट्रेस मिला जोवोविच है, जो कि इस मूवी में एज अ मेन कैरेक्टर देखे जाएंगे। मूवी 12th of April को रिलीज होगी। नौवें नंबर पर है अलादीन। मीना मसूद और विल स्मिथ स्टारर अलादीन एक रोमांटिक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जिसका डायरेक्शन गाय रिची ने दिया है और वॉल्ट डिज्नी ने प्रोड्यूस किया है। मूवी का ट्रेलर कुछ दिनों पहले ही रिलीज हो गया था, तो फैंस को इसमें जीनी और जफर का कैरेक्टर खास पसंद नहीं आ रहा। इस मूवी से रिलेटेड और जानकारी के लिए ऊपर दिए आई आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। मूवी का रिलीज डेट 24th of May रखा गया है। नंबर 10 पर है गॉडज़िला किंग ऑफ मॉन्स्टर, एक अमेरिकन मॉन्स्टर फिल्म है, जिसका डायरेक्शन माइकल डॉटी ने किया है और इस मूवी के को राइटर भी है। ये सीक्वल मूवी है गॉडज़िला 2014 की, और इस फ्रेंचाइजी की 35वीं फिल्म होगी और थर्ड फिल्म होगी जो कि हॉलीवुड प्रोड्यूस कर रहा है। इस मूवी के पहले डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड को कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने के बाद माइकल ने स्क्रिप्ट में चेंजेस किए हैं। अब देखना यह होगा कि नए डायरेक्टर के काम को लोग कितना पसंद करते हैं। मूवी का रिलीज डेट 31st of May रखा गया है।
लिस्ट में 11वें नंबर पर है मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल। जैसा कि इस मूवी का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, इस बार मूवी के लीड रोल में थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ एजेंट ए और टेसा थॉमसन एजेंट एम का किरदार निभा रही हैं। MIB की चौथी फिल्म इंडिया में सोनी पिक्चर्स इंडिया लेकर आ रही है। 1997 में आई मैन इन ब्लैक को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। इसी के कारण इसके सीक्वल बनते गए और मूवी ने अच्छी कमाई की। फिल्म की स्टोरी धरती पर आने वाले एलियन पर आधारित है। इस मूवी का रिलीज डेट 14th of June रखा गया है। नंबर 12 पर है टॉय स्टोरी 4। टॉय स्टोरी 4 एक अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी सीक्वल फिल्म है जिसका डायरेक्शन जो स्कूली ने किया है। फिल्म की स्टोरी टॉय स्टोरी 3 से कंटिन्यू करते हुए आगे ले जाया जा रहा है। इस साल डिज्नी कई बेहतरीन मूवीज रिलीज कर रहा है, उनमें से एक टॉय स्टोरी 4 भी शामिल है। इस मूवी में शेरिफ वुडी, बज और उसके टॉय फ्रेंड एक बार फिर से एडवेंचर रोड ट्रिप पर जाते हैं और साथ ही उनके दो नए दोस्त हैंक्स और एलन भी शामिल हो जाते हैं। मूवी का रिलीज डेट 21st of June रखा गया। 13वें नंबर पर है मार्वल स्टूडियो की एक और बेहतरीन फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। अगर हम बात करें मूवी इवेंट की तो ये कहना आसान होगा कि ये मूवी इंड गेम के बाद का है। टॉम हॉलैंड स्टारर स्पाइडरमैन का ट्रेलर पहले ही आ चुका है। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में पीटर पार्कर डस्ट बन जाते हैं जब थैनोस अपनी चुटकी बजाता है, लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में वापस आ जाता है अपनी गर्मियों की छुट्टी मनाने। और इसका मतलब ये है कि स्पाइडरमैन एक बार फिर से वापस आ रहा है। मूवी का रिलीज डेट 5th of July रखा गया है। लिस्ट में 14वें नंबर पर द न्यू म्यूटेंट है। जोस बून की डायरेक्शन में बन रही द न्यू म्यूटेंट एक हॉरर फिल्म है जो कि मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है और X-Men सीरीज का 13 पार्ट होगा, जिसमें यंग म्यूटेंट का ग्रुप दिखाया गया है और वो खुद को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। म्यूटेंट पे इससे भी पहले कई सारी मूवीज बन चुकी है और लोगों ने उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इस मूवी का रिलीज डेट 2nd of August रखा गया है। लिस्ट में 15 नंबर पर है इट चैप्टर 2। इट एक अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है और 2017 में आई इट मूवी का सीक्वल है। दोनों पार्ट 1986 नॉवल इट बाय स्टेफन किंग से है, जिसका डायरेक्शन एंडी कर रहे हैं, जो कि इसके पहले एक और हॉरर फिल्म मामा का भी डायरेक्शन किया था जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ और लोगों ने उनके काम की सराहना की। मूवी की स्टोरी की बात करें तो 27 साल के बाद से लिखी गई है, जिसकी वजह से इट मूवी के सारे कैरेक्टर अब आपको बड़े दिखेंगे। मूवी 6th of September को रिलीज होगी। साल 2019 में इन मूवीज के अलावा कई और बेहतरीन मूवीज है जिसके बारे में हम वीडियो के सेकंड पार्ट में बताएंगे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह मूवीज से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।